कि आवाम का पैसा इस्तेमाल किया गया। फवाद चौधरी का कहना है कि आयशा गुलालाई की गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं। आयशा गुलालाई ने सबके सामने कहा पार्टी छोड़ दी है, उनकी वजह से इंग्लिश डिक्शनरी तब्दील हो गई, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का। आयशा गुलालाई वो शख्सियत है जिन्होंने तमाम टेलीविजन के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ दी। आयशा गुलालाई की वजह से अंग्रेजी की डिक्शनरी तब्दील हो गई है। पहले कहते थे लाए बिग लाए, अब बिग लाए को रिप्लेस कर दिया गया है गुलालाई से। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तब्दीली आ गई है इन खातून की वजह से। यानी जो औरत 8 महीने अपनी सीट बचाने के लिए 6 महीने और 7 महीने इतने खुले झूठ बोले आके, उसके करैक्टर का अंदाज़ा आप सब लोग आराम से लगा सकते हैं। बाकी जो उनकी गुफ्तगू है वो इररेलीवेंट है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद यही है इलेक्शन कमीशन इस पर प्रोसीड करेगा।